हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑल रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में चर्चा करना चाह रहा हूं हमारी हाफ ईयरली एग्जाम के बारे में। देखिए, ऑलरेडी जो डिसीजंस है कोविड की वजह से, उसमें सबसे ज्यादा जो क्लासेस प्रभावित हो रही हैं वो स्टैंडर्ड नर्सरी टू एट्थ, जहां शायद प्रोजेक्ट और असाइनमेंट बेस पे ही कहीं मार्क्स ग्रांट किए जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों की क्लासेस प्रमोट होगी। 9th, 10th, 11th एंड 12th के अंदर सभी एग्जाम एज यूजुअल रेगुलर रहेगी। अब हम जो हाफ ईयरली एग्जाम आपकी मेंटेन करने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम इसी बात का यहां पर विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं एक असाइनमेंट बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड जो भी वर्क दिया जाना है, जिसके आधार पे बच्चे प्रमोट होंगे, कहीं ना कहीं उन्हीं सब चीजों का अब आगामी परीक्षाओं में कॉम्बिनेशन किया जाए, तो उसी बेस पे बच्चों आपकी हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट हो रही है। इस हाफ ईयरली एग्जाम की मैं पूरी डिटेल्स आज वीडियो में आपको देना चाह रहा हूं। ऑलरेडी इसके बारे में एक पहले भी एडवाइजरी हम लोग जारी कर चुके हैं, बट शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी या शायद अभी तक भूल चुके होंगे, तो कहीं ना कहीं भाई एक बार वो सभी चीजें फिर से रिकॉल हो जाए, ताकि आप आपकी हाफ ईयरली एग्जाम की बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर पाए और बहुत बेहतर तरीके से मार्क्स गेन कर पाए। बच्चों, रिगार्डिंग दिस, हम जो आपके असाइनमेंट के जो पेपर्स हैं, ये सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के पेपर्स बने हुए हैं। इस पेपर का जो मार्किंग है नर्सरी से लेके फिफ्थ तक इस सब्जेक्ट 40 है और सिक्स से लेके 12 तक इस सब्जेक्ट 80 का टोटल है। यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूं कि जो पेपर्स आपको मिलने वाला है वो एक असाइनमेंट बेस रहेगा। असाइनमेंट बेस रहेगा इट मींस वहां पर जो भी आपको टास्क मिल रहा है वो किसी भी फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वहां पर आपको उन सभी चीजों के एक बहुत बेहतर तरीके से आंसर देना है, एक वेल हैंडराइटिंग वेल मेंटेन करना है, आपका नीटनेस क्लीननेस इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है, और एक अबो ऑल जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्पेशली फ्रॉम द सिक्स टू लेक ट्वेल्थ, सिक्स से लेके ट्वेल्थ तक के बच्चों के लिए, तो भाई सिक्स से लेके ट्वेल्थ तक के जो भी बच्चे हैं वो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो भी आपके आंसर देना है भाई, कहीं ना कहीं आपको आपकी ऑन लैंग्वेज यूज करना है। यदि आप पूरी तरह से बुकिश लैंग्वेज यूज करते हैं, आपको लगता है कि नेट से या अदर रेफरेंसेस से कहीं से भी आप उन आंसर्स को लेके और वहां पर हूबहू लिख देते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं आपकी मार्किंग कम होगी और प्रमोशन में ये मार्किंग आपके आगे बिल्कुल जुड़ना है। तो प्लीज इस एग्जाम को थोड़ा सा आप लोग सीरियसली लीजिएगा, और जो भी आप एंसरिंग कर रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं आप आपकी ऑन लैंग्वेज में लिखें, उसका सेंस समझें और फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एलाबोरेट करें अपनी ऑन लैंग्वेज के अंदर। राइट, ऑन लैंग्वेज से तात्पर्य क्या है कि भाई कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आपको समझना है और अपनी भाषा में आपको उत्तर देना है। भाषा से तात्पर्य है कि भाई एक वो लर्निंग कॉन्सेप्ट रहे, आपका रट्टाफिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं रहे, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए भाई हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, ये सभी पेपर्स, सभी सब्जेक्ट के ऑल सब्जेक्ट्स पेपर, वो रिटन है, वो ओरल है, जो भी है, ड्राइंग है, रैम्स है, जीके है, कंप्यूटर है या मेन सब्जेक्ट है, ये टोटल पेपर्स हम आपको एक ही दिन में पहुंचाने वाले हैं आपके ग्रुप के माध्यम से। तो वो डेट क्या है बच्चों आपकी, 11 दिसंबर 2020 को बच्चों आपके सभी पेपर आप तक पहुंच जाएंगे। मॉर्निंग शेड्यूल में ही मैं टोटल पेपर आपके ग्रुप में पब्लिश कर दूंगा। वहां पर टीचर्स के सभी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, सभी कुछ चीजें बहुत ज्यादा क्लियर है, आपको सभी पेपर्स को देखना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम पीरियड में भी आपकी कक्षाएं एज इट इज रहेगी, यथावत रहेगी, कक्षाओं में कहीं कोई ब्रेक नहीं लगेगा, आपकी पढ़ाई का जो क्रम है वो सुव्यवस्थित बना रहेगा और आपकी क्लासेस आपको रेगुलर रूप से अटेंड करना है। आपके पास समय क्या है, 11 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक। राइट, यदि हम नंबर ऑफ डेज काउंट कर रहे हैं तो यहां टोटल आ रहे हैं 9 डेज। तो 11 दिसंबर से आपको पेपर मिल रहे हैं, 11 दिसंबर से लेके तो आपके 19 दिसंबर तक ये पेपर्स आपको एक प्रॉपर वे में कंप्लीट करना है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, 11 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर को ये आपको सभी पेपर्स कंप्लीट करना है, और 20 दिसंबर से आपको
आंसर शीट को सबमिट करना है। सबमिट जो आप करेंगे वो ऑनलाइन मोड में ही आपको करना है। आप लोगों को मेल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेल पे कुछ अपलोड नहीं हो पाता है, कहीं कुछ छूट जाता है, ऑडियो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आता है, तो इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफर कर दिया है। हम लोग इस बार आपसे पूरा सबमिशन लेंगे डिफरेंट व्हाट्सएप नंबर पे, क्लास वाइज व्हाट्सएप नंबर अलग अलग रहेंगे, उन्हीं व्हाट्सएप नंबर पे आपको ये सभी पेपर्स सबमिट करना है। अब देखिए, मैंने क्या बताया आपको, पेपर आपको कब दे दिए भाई, 11 दिसंबर 2020 को सुबह 8 बजे तक सभी पेपर आपके ग्रुप पे पब्लिश हो जाएंगे। ओके, 11 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में आपको गुड हैंडराइटिंग में अपने जिस तरह से आप अदर एग्जाम दे रहे थे ना, उसी तरह से आपको पेजेस कॉपी वगैरह का यूज करना है और वहां पे बहुत बेहतर तरीके से ये सब पेपर आपको प्रॉपर वे में कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आप सबमिशन कब से चालू करेंगे बच्चों, सबमिशन आप चालू करेंगे 20 दिसंबर से। ओके, अब देखिए यहां पर हमने कुछ सब्जेक्ट निर्धारित किए हैं, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये रिटर्न फॉर्म में मैं आपको दूंगा, बिल्कुल वहां से आपको सभी चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो 20 दिसंबर को आपको जो सब्जेक्ट सबमिट करना है गिवन व्हाट्सएप पे, वो सब्जेक्ट कौन से हैं आपके, एक रहेगा आपका ड्राइंग, दूसरा रहेगा आपका जनरल नॉलेज और तीसरा रहेगा आपका हिंदी और इंग्लिश राइम्स। व्हेनेवर यू सबमिट पेपर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बीस रिमेंबर कीप इन योर माइंड टाइम एज वेल एज डेट, ऑल पेपर्स यू विल सबमिट एक्सेक्ट एट राइट टाइम, सभी पेपर आपको बिल्कुल राइट टाइम पे सबमिट करना है। ये जो आपके पेपर सबमिशन होगा ना बच्चों, सभी पेपर के लिए एक ही समय हमने रखा है, आपको ये सबमिट करना है 3 PM से 5 PM के बीच में, मतलब शाम को 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आपको सभी पेपर जो भी गिवन आपको व्हाट्सएप नंबर है सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज वहां पर आपको ये सब चीजें सबमिट करना है। राइट, अभी मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था आपको 20 तारीख को, 20 तारीख का बताया था आपको कि ड्राइंग है आपका, जीके है और आपका रैम्स है। सिमिलरली हम 21 तारीख को आते हैं, 21 दिसंबर को जो पेपर आपके सबमिट होंगे वो मैथमेटिक्स रहेगा एज वेल एज इंग्लिश रहेगा, अकाउंट्स रहेगा और बायोलॉजी रहेगा। 22 दिसंबर को साइंस, फिजिक्स, बिजनेस स्टडी एज वेल एज कंप्यूटर। 23 तारीख को आपका रहेगा सोशल साइंस, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स और 24 दिसंबर को रहेगा हिंदी एज वेल एज संस्कृत। और ये पेपर आपको व्हाट्सएप पे ही भेजना है, कौन से व्हाट्सएप पे कौन सा पेपर आएगा इसकी डिटेल्स मैं आपको अभी बता देता हूं, एज वेल एज एक लेटर भी हम आप इसके साथ भेज रहे हैं, वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा भाई। नर्सरी KG1 और KG2 फर्स्ट सेकेंड, नर्सरी LKG UKG स्टैंडर्ड फर्स्ट एज वेल स्टैंडर्ड सेकंड आप सबमिट करेंगे, उसका व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, एज वेल एज जो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये एक अलग व्हाट्सएप नंबर है वहां पर आपको सबमिट करना है, 6th, 7th और 8th आपका व्हाट्सएप नंबर अलग है वहां पर आपको पूरे पेपर सबमिट करना है, और 9th, 10th, 11th एंड 12th आपका व्हाट्सएप नंबर अलग है वहां पर आपको पूरे पेपर सबमिट करना है। इट मीन्स ये 4 व्हाट्सएप नंबर है, एक व्हाट्सएप नंबर है नर्सरी से लेके सेकंड तक के लिए, दूसरा व्हाट्सएप नंबर है थर्ड से लेके फिफ्थ के लिए, तीसरा व्हाट्सएप नंबर है 6th से लेके 8th तक के लिए और चौथा व्हाट्सएप नंबर है 9th से लेके 12th तक के लिए। तो यहां पर आपको ये पेपर सबमिट करना है। आई थिंक मैं पहले भी एक वीडियो आपको भेज चुका हूं, ये वीडियो भी है साथ में रिटर्न मैसेज भी है, सभी कुछ आपको हाफ ईयरली के से संबंधित सभी कुछ क्लियर है। फिर भी कहीं और कोई भी डाउट्स है तो एनी टाइम You can message me. Thank you. Take care. Bye. ना सिखाए तुझे दौड़ना है, जीना सिखाए तुझे जीतना है, कहना सिखाए तुझे चीखना है, तुझे सीखना है, चलना सिखाए तुझे दौड़ना है, जीना सिखाए तुझे जीतना है, कहना सिखाए तुझे चीखना है, तुझे सीखना है, तुझे जीतना है।